लालू राबड़ी फैमिली का कोई मेंबर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। डॉक्टर मीसा भारती को भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बड़ी बहन मीसा के लिए भाई तेज प्रताप की फील्डिंग बेकार जाएगी। मीसा राज्यसभा की मेंबर है, उन्हें वहीं रहने की हिदायत दे दी गई है। कोई इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा। पाटलिपुत्र की सीट से राजद का उम्मीदवार सबको चौंकाने वाला होगा। लोकसभा के पिछले चुनाव में लालू राबड़ी परिवार से दो उम्मीदवार थे, राबड़ी देवी छपरा और डॉक्टर मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ी थी। दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। मीसा को राजद छोड़कर बीजेपी में गए रामकृपाल यादव ने हराया था। राबड़ी देवी बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी के हाथों परास्त हुई थी। सूत्रों की माने तो लालू राबड़ी तेजस्वी इस बात पर एकमत हैं कि इस बार कोई फैमिली मेंबर चुनाव नहीं लड़ेगा। इस फैसले पर तेज प्रताप के हट का कोई असर नहीं होगा। पिछले चुनाव में मीसा भारती के कारण राजद को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। दशकों से लालू के हनुमान रहे रामकृपाल यादव का टिकट काटकर मीसा को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बना दिया गया था। राजद से टूटे रामकृपाल को बीजेपी ने लपक लिया था। रातों रात भगवा रंग में रंगे रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट पर 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से मीसा को परास्त किया था। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार पुरानी गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। पिछले चुनाव में मीसा के कारण ही रामकृपाल ने लालू परिवार से 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ा था। तब लालू राबड़ी मीसा के दबाव में आ गए थे। सजायाफ्ता होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए गए लालू अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लिहाजा वे मीसा की जिद के आगे हार गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बार पाटलिपुत्र की गलती सुधार ली जाएगी। इस दिशा में गंभीर प्रयास चल रहा है। पाटलिपुत्र से ऐसा शख्स उम्मीदवार होगा जो रूठे हुए अपनों को राजद के पाले में खींच लाएगा। लालू राबड़ी फैमिली से राबड़ी देवी बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य और सदन में नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल है। तेज प्रताप महुआ से विधायक है। डॉक्टर मीसा भारती राज्यसभा की मेंबर है। ऐसे में परिवार के नाम पर किसी को कुर्बान करने की गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। कोई इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए हेमंत कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।